अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। आप लोग का फिर से और एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फरजाना बत्तूल। तो आज का वीडियो कुछ ऐसे बनने जा रहा है कि मैं फिर से एक खूबसूरत जगह का दौरा करने, फिर से एक खूबसूरत जगह को घूमने जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ, विदाउट अपने पापा और अपने बड़े भाई के अलावा। हम सब जा रहे हैं, मैं, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मेरी बहन और मेरे भाई का लड़का और मेरी माँ। हम 6 जन जा रहे हैं यहाँ से बाहर, कारगिल से बाहर जा रहे हैं हम लोग। श्रीनगर की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी जस्ट अभी हमारा पैकिंग हो रहा है, 2 बजे हमारी गाड़ी निकलने वाली है। तो आप अभी हमारा पैकिंग देखिए थोड़ी तो बहुत, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि पूरा जो सफ़र है वो अच्छे से आपको दिखाऊँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। Years later. तो हम निकल चुके हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम 6 लोग नफर घर से निकल चुके हैं हम लोग। हम शिलिप से पहुंचे अभी। रास्ते का सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे, सारा मज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वीडियो। पहुंच गए। रास्ते में हमने कुछ स्नैक्स लिए ऐसे रास्ते में खाने के लिए, और फिर से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम फिर से निकल चुके हैं रास्ते। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग ऐसे शैतान दूसरी जगह जगह वहा शैतान नाला कुछ तो कहते हैं ऐसे एक जगह पे हम पहुंचे हैं। और मम्मी लोग कह रहे थे फोटो खींचेंगे, तो हम फोटो खींचने। कितना अच्छा जगह है देखिए। अब फोटोग्राफ का सेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बोलते से फिर से गाड़ी में चढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नमरक चेक पोस्ट पे हम पहुंचे हैं, और मैंने अभी ये खाया था, बहुत मिर्च है इसमें। जस्ट सुजला पहुंचे हैं, जा रहे। बहुत धूल है यहाँ पे, नीचे साइड देखिए तो हरियाली है, बाकी ऊपर रोड पे बहुत धूल है। हम आए थे ना, जो मैं पिछले बार आई थी वीडियो में, उस टाइम पे इतना नहीं था धूल, क्योंकि शायद समर स्टार्ट ही हुआ था, विंटर ख़त्म नहीं हुआ था। इसी बीच हम आए थे तो ये बर्फ बर्फ रोड पे थी, ये रोड गीला था तो इतना धूल नहीं था, अभी बहुत धूल है।
से केदारनाथ यात्रा को जाते हैं। बादलों में से कितने कितने प्यार बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। गाड़ी में बहुत ही धक्का मुक्की खाने के बाद हम पहुंचे हैं अभी कंगन। और कंगन सोनमबर्ग से आगे पड़ता है थोड़ा सा श्रीनगर की ओर, तो अभी हम लोग कंगन पहुंचे हैं। और कंगन के हम इस ये यहाँ इधर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम रुके हैं। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी बहन और साकिब वो चाय पीने अंदर गए हुए हैं होटल में, और मैं बाहर रुकी हुई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे गले को क्या हो गया, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया ड्यू टू वो जो बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा वीडियो में कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी आगे जुजला साइड से, उसकी वजह से मेरा गला पूरा बैठ गया और मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने पिछले पारी वीडियो में मैंने जितने भी ट्रैवल्स वीडियोस डाले हैं उनमें आपको बताया है मुझे ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रैवल करती हूँ। तो इस बार भी वही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ इस बार वॉमिटिंग नहीं हुई है अभी तक, बस सिर्फ हालत ख़राब हो रहा है मेरा। बाकी गला ख़राब हो गया, गला बैठ गया है, अभी तक तो ठीक है। बाकी मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी भतीजी और बाकी सब दिया है सिवाय मेरे, मेरा गला ख़राब हो गया। अब सब चाय पी रहे हैं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अभी टाइम बज रहा है लगभग 7 हो रहा है आफ्टर 7। अभी हम ये चाय पी के हम निकलेंगे, लगभग हम अब एक घंटे के अंदर तो हम पहुँच ही जाएंगे श्रीनगर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। लगभग 8 बजे, बहुत लेट हो गया, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। अभी हमने डिनर कर लिया है, जैसे पहुँची वैसे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सामान थे ये वो वगैरह, और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, खाना खा लिया, अब सब सोने वाले हैं। अभी सब मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी सोने वाली हूँ। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आप लोग बने रहिएगा फिर भी। खुदा हाफिज़।